Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 17 stars and the solar system of your 8th class science book. हमारी जो यूनिवर्स है उसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और इन मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर के बहुत छोटी छोटी गैलेक्सीज बनी हुई हैं. हमारी सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है, जिसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे अपने 8 प्लैनेट्स हैं विद सन. तो हम आज इस चैप्टर में कुछ स्टार्स और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे. हमारे आसमान में जैसे कि स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, मून हैं और भी बहुत सारी जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं. चाहे वो सैटेलाइट्स ही हैं तो वो सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं. सबसे फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे द मून. मून को जब भी हम देखते हैं तो वो हमेशा डेली अपनी शेप को चेंज करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल गायब हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल गोल हमें दिखाई देता है, पूरा फुल मून दिखाई देता है. तो यही जो मून के वेरियस शेप्स हम पूरे मंथ में देखते हैं उनको मून के फेजेस कहा जाता है, फेजेस ऑफ मून कहा जाता है. जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो मून के फेजेस है वो दिखाए गए हैं. जब ये मून हमारी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है तो उसकी वजह से जिस जिस पार्ट पर मून के सनलाइट पड़ती है तो वो पार्ट हमको दिखाई देता है. इस वजह से, उसके रिवॉल्यूशन की वजह से हमको ये जो मून के अलग अलग फेजेस देखने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में. तो स्टार्स को तो आप सभी ऑब्जर्व करते हैं, डार्क नाइट में हम सभी स्टार्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से रात में ट्विंकल करते हैं. रात के समय पे हमारी अर्थ पे कोई लाइट नहीं पड़ती, सनलाइट नहीं पड़ती, इसी वजह से हमें जो आसमान है वो ब्लैक नजर आता है और हमें स्टार्स नजर आते हैं. बट दिन के समय पे जब अर्थ पर लाइट पड़ती है तो सनलाइट इतनी तेज होती है कि हमें स्टार्स नजर नहीं आते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत सारे स्टार्स का कुछ ग्रुप होता है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाता है. बहुत सारे स्टार्स का मिल करके किसी एक शेप को फॉर्म कर देना कॉन्स्टिलेशन कहलाता है. कॉन्स्टिलेशन में सबसे ज्यादा फेमस जो कॉन्स्टिलेशन है, जो कि हमें समर्स टाइम पर देखने को मिलता है रात में, उसे ऊर्सा मेजर कहा जाता है. ऊर्सा मेजर के कुछ यहाँ पर फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेट बियर, ओरियन, कैसियोपिया, लियो मेजर, ये सभी के सभी ऊर्सा मेजर कहलाते हैं. द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है हमारा वो उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और वो सभी 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं. उन 8 प्लैनेट का जो ऑर्डर है वो क्या है, सन से अगर देखें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो ये सभी हमारे जो हैं 8 प्लैनेट हैं जिसमें से अर्थ पर ही लाइफ है, जिसपे हम रहते हैं. जो भी ये प्लैनेट होते हैं जो सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व होते हैं, इनका एक डेफिनेट सेट पाथ होता है जिस पर ये रिवॉल्व होते हैं, उस पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है. मार्स और जुपिटर है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और उसके बीच में कुछ एस्टेरॉयड बेल्ट है. ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसमें बहुत सारे स्टोन्स हैं. स्टोन्स से कहने का मतलब है ये फ्रोजन गैस, रॉक और सैंड के मिले हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो पत्थर जैसे देखने के लिए मिलते हैं, जिसको एस्टेरॉयड कहा जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स क्या कहलाते हैं. जो हमारे मीटियोर्स होते हैं उनको हम कॉमन नेम में शूटिंग स्टार नाम से भी जानते हैं. जब कोई भी जो मीटियोरॉयड होता है वो हमारे अर्थ की सरफेस में एंटर हो जाता है और उसमें फायर लग जाती है तो वो एक शूटिंग स्टार की तरह हमको दिखाई देता है, वो मीटियोर कहलाता है. ये जो मीटियोर्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो ये कभी कभी अर्थ में एंटर कर जाते हैं. जब ये अर्थ में एंटर कर जाते हैं तो ये मीटियोरॉइड कह बन जाते हैं, तब इनको मीटियोरॉइड्स कहा जाता है. देखिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि सैटेलाइट्स भी हमारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. उसी में जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आती हैं, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में तो आपको पता ही है, जो भी किसी प्लैनेट के अराउंड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है वो नेचुरल सैटेलाइट होती है. और जो किसी भी वर्क के जरिए किसी प्लैनेट के ऊपर भेजा गया जो ऑब्जेक्ट होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है. हमारी इंडिया की जो फर्स्ट बनी हुई सैटेलाइट थी वो आर्यभट्ट थी उसका नेम. ऐसे ही और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स इंडिया की हैं, जैसे इनसेट, आईआरएस, कल्पना, ईडीयू, एसएटी, ऐसी बहुत सी सैटेलाइट्स हैं. ये सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसी वर्क
की वजह से भेज जाते हैं, जैसे कि फॉरकास्टिंग वेदर, वेदर के फॉरकास्ट के लिए कि पहले से वेदर के बारे में पता चल सके, जो भी हमारे टीवी के सिग्नल, रेडियो के सिग्नल्स हैं इनको ट्रांसमिट करने के लिए, और टेली कम्युनिकेशन में या रिमोट सेंसिंग के यूज़ के लिए भी इनको भेजा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.